हाय एवरीवन, तो यार मैंने अपने इंटरव्यू प्रेप के टाइम पे दो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे। वन वॉज गिग्स फॉर गिग्स, अदर वॉज लीटकोड। जीएफजी की बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं लीटकोड की। देयर आर थ्री रीजंस व्हाई आई यूज लीटकोड। पहली चीज़, मेरे को उसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगा। जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे उस टाइम पे, मेरे को लीटकोड सबसे ज़्यादा क्लीन लगा, सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगा और सबसे ज़्यादा स्मूथ लगा विदाउट एनी बग्स। सेकेंड रीज़न वॉज कि यार उस पर जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल था ना, वो डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल इंटरव्यू जैसा था। जिस तरीके के क्वेश्चन, जिस लेवल के क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस लीटकोड पे अवेलेबल थे। थर्ड रीज़न वॉज द डिस्कशन सेक्शन ऑफ लीटकोड। डिस्कशन सेक्शन ऑफ लीटकोड इज़ फिल्ड विथ इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे कैसे रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं जिनसे आप लोग सीख सकते हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको कभी किसी कोर्स से या कभी किसी लेक्चर से नहीं मिलने वाली है। इतना सारा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। तो दीज आर द थ्री रीजन्स, बहुत ही अच्छे रीजन्स हैं एंड दीज आर गुड इनफ टू मेक यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन लीटकोड। बट यार, जितने लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अभी अच्छे से कोड कर रहे हैं ना, आप लोग उस पर भी कंसिस्टेंटली कर लेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स ओनली दैट कि मेरे को पर्सनली लीटकोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था एंड दैट इज़ वाई आई सॉल्व्ड अबाउट 1100 क्वेश्चंस ऑन लीटकोड टिल टाइम। अपने इंटरव्यू प्रेप में मैंने कम से कम 700-800 क्वेश्चंस कर लिए थे और अभी तक मैंने इस पे लगभग 1100 क्वेश्चंस करे हुए हैं। सो लेट अस सी वन बाय वन हाउ टू यूज लीटकोड, हाउ टू मेक अ रियली गुड प्रोफाइल ऑन लीटकोड सो दैट यू कैन शोकेस इट टू समबडी एंड गेट योर रेफरल्स। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग लीटकोड पे कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पर लीटकोड पे जैसे ही आप लोग लैंड करते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं, स्टोर, डिस्कशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिससे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। बट डोंट गेट कन्फ्यूज, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को प्रॉब्लम्स करनी है। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है ना डीएसए में, तो आप लोग प्रॉब्लम्स पर जाओ, टॉपिक वाइज सर्च करो आप लोग किस टॉपिक में वीक हैं या किस टॉपिक पे करना चाहते हैं। सो बेसिकली यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अदर देन दैट, अगर आप लोग बिल्कुल नए नए हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू माय डीएसए शीट। दिस इज माय डीएसए शीट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस लीड कोर्स से उठाए हुए हैं एंड इट्स बीन आई गेस 1 ईयर जब मैंने ये शीट डाली थी एंड अभी तक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है। अबाउट 85,000 व्यूज हैं इस वीडियो पे। सो यू कैन यूटिलाइज दिस शीट, उसके इजी क्वेश्चंस कर लो, हर टॉपिक के इजी क्वेश्चंस कर लो आप लोग, स्ट्रिंग्स के, एरेज के, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, मैथ्स के, सबके मैंने इजी क्वेश्चंस मेंशन करे हुए हैं। अगर आप लीटकोड पे ये देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको सेलेक्टिव मिलेंगे, ठीक है। 250 क्वेश्चंस है शीट में, अच्छे से कर लोगे अगर तो डेफिनेटली आपकी इंटरव्यू बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। बट आपको सिंसियरली करने पड़ेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्रॉब्लम्स उठाओ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो। लेकिन समटाइम्स यू विल अराइव टू अ प्रॉब्लम जहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखने में तो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और सबमिट भी हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम हम लोग को डिवाइड करना है एक नंबर को दूसरे नंबर से, सिंपल कर दो डिवाइड, सबमिट कर दो, दिखाएगा कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। देखो दिखा रहा है 100% लोगों से अच्छा सॉल्यूशन है मेरा, बट दिस सॉल्यूशन इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि यार ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इस क्वेश्चन में द इंटरव्यूअर वुड से यू डू नॉट यूज़ डिवीजन, डिवीजन को मत यूज़ करो, ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपन इज कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसका सबमिशन करते हैं, देखते हैं बहुत अच्छा है और आगे बढ़ जाते हैं। बट द रियल क्रक्स यू विल फाइंड इन द डिस्कशन सेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये अपना थंब रूल बना लो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग को डिस्कशन में आना है। मोस्ट वोट्स से इसको सॉर्ट करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, मोस्ट वोट्स उनसे सॉर्ट करना है और सबसे अच्छा सॉल्यूशन देखना है अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे लेट अस से मैं पाइथन में कोड करता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। मैं करता C++ में हूँ बट मेरे को पाइथन का देखना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। कोड ही लिखा हुआ है बंदे ने, कोई एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बट नीचे लोगों ने एक्सप्लेन डेफिनेटली किया हुआ होगा। दूसरी चीज़, मेरे को C++ का देखना है, मैं C++ का देखूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर, अच्छे से कोड लिख रखा है, लोगों ने नीचे इस पर एक्सप्लेन कर रखा है, उनके ऊपर कमेंट्स हैं, तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है। डेफिनेटली आपको डिस्कशन सेक्शन से अपना सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको अच्छे से पढ़ना और कोड्स देखना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक से लोगों ने किया हुआ था, एक एक लाइन में कोड किए हुए होते हैं कई बार तो, ठीक है। जैसे आपको देखो 6 लाइन का कोड दिख रहा है, छोटा सा कोड, तो आपको मज़ा आएगा यार ये सब पढ़ के, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे आपको मिलेगी, ठीक है। सो मेक इट अ रूल आफ्टर एवरी क्वेश्चन दैट यू सॉल्व। मैं अभी भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ, मतलब इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंडिंग ऑन लीटकोड आई स्टिल फॉलो दिस प्रैक्टिस कि मैं जब भी अपना सॉल्यूशन सबमिट करता हूँ ना, उसके बाद डिस्कशन पे जाता ही हूँ। डिस्कस पे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि यार कितने लोगों ने, लेट अस से मैंने एन लॉग एन में किया तो कितने लोगों ने बिग ऑफ एन में किया है। यार अब यहाँ पर ना आप लोगों को मिल जाते हैं कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है, लेकिन कॉन्टेस्ट के बारे में बात करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट क्रायो डॉट डू। सो बेसिकली क्रायो डॉट डू इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न डेवलपमेंट।
तो यार रिज्यूमे में हम लोगों को प्रोजेक्ट्स अगर ऐड करने होते हैं, डेवलपमेंट स्किल्स इंप्रूव करनी होती हैं, तो यार क्लाइड और डू एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग डेवलपमेंट सीख सकते हैं। यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में बेसिकली यू गेट टू लर्न अबाउट AWS, नोड JS, मोंगो, रिएक्ट, HTML, CSS, JavaScript, जितना भी आपका फ्रंट एंड में यूज होता है सारा का सारा सिखाया जाएगा। और उसमें सिर्फ सिखाया ही नहीं जाता, सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं होते हैं, आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है प्रॉपर बनाने के लिए। अब यार यहाँ पर सिर्फ आपके वीडियोस अवेलेबल नहीं होते कि जिनको देख करके आप लोग सीख लेंगे, आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाता है एंड उससे आप लोग यहाँ पर सीखते हैं। देन सेकंड प्रोग्राम इज दी बैकएंड प्रोग्राम, जहाँ पर यू लर्न जावा, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा, AWS, डॉकर, जितना भी हमारा बैकएंड में यूज होता है आपको यहाँ पर सेम तरीके से प्रोजेक्ट्स पे काम करा करा करके सिखाया जाता है। देन द थर्ड प्रोग्राम इज दी फेलोशिप प्रोग्राम विच गारंटीज यूर प्लेसमेंट। तो बेसिकली इट इज अ प्रोग्राम जहां पर आप लोगों को ओवरऑल प्लेसमेंट रेडी बनाया जाता है एंड एट दी एंड आपकी प्लेसमेंट की गारंटी भी ली जाती है। अब यहाँ पर क्राइड और डू ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी भेजे हुए हैं, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाना है, यू विल रीच टू दिस पेज। यहाँ पर आप लोग अगर अपनी ईमेल आईडी एंटर करते हैं देन यू विल बी एबल टू अनलॉक दीज गिफ्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक फ्री गाइड फॉर योर मिनी प्रोजेक्ट मिल जाएगी जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। देन यू विल गेट टिप्स फॉर योर रिज्यूमे, देन टिप्स फॉर योर इंटरव्यूज। तो यह लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यू कैन गो एंड अनलॉक दीज गिफ्ट्स। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द वीडियो। तो कॉन्टेस्ट हमारे पास दो तरीके के हैं, एक है आपका एवरी संडे मॉर्निंग 8 AM, दूसरा कॉन्टेस्ट आपका एवरी अदर सैटरडे, अल्टरनेट सैटरडे होता है ये, इट इज़ एट 8 PM। 8 PM वाला तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, कोई बहाना नहीं चलेगा उसके लिए। लेकिन सुबह वाला जो 8 बजे का मिस कर देते हैं लोग, वो यहाँ पर आके ना वर्चुअल दे दिया करो। वर्चुअल भी सेम सी फीलिंग आएगी आपको, सेम आपकी रैंकिंग वगैरह भी उसी हिसाब से होगी, बट ये है कि वो रियल टाइम नहीं है। जितने लोग असली में दे सकते हैं वो असली वाला दे दो, जितने लोग वर्चुअल दे सकते हैं वर्चुअल वाला दे दो। लेकिन डेफिनेटली डू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, भले ही आपसे एक क्वेश्चन ही क्यों ना हो, एक क्वेश्चन हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट एटलीस्ट यू विल गो टू द सेकंड एंड द थर्ड प्रॉब्लम, है ना, उसका सॉल्यूशन देखने तो जाओगे। वो जब देखोगे तो उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, डिस्कशन पे जाके पढ़ोगे, कुछ नई टेक्निक सीखने को मिलेगी, वहां से नहीं समझ में आएगी वीडियो देख के दोबारा से आओगे। दैट इज हाउ यू लर्न, ठीक है, दैट इज हाउ यू ग्रो। सो यार डू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपनी प्रोफाइल कैसे मेंटेन करें। लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है प्रोफाइल वगैरह मेंटेन करने में, मैंने भी मेंटेन की हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2020 के मेरे सबमिशंस, आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक, आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट बिकॉज मेरा प्लेसमेंट का टाइम आने वाला था तो लगा पड़ा था मैं। एक एक दिन में बहुत सबमिशंस जाते थे यार, यहाँ पर गलत दिखा रहा है वन सबमिशन, मेरे 50-60-80 सबमिशंस जाते थे एक दिन में। अभी भी मैं इस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता रहता हूँ क्वेश्चंस, मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है। हर दिन आधा घंटा एक घंटा निकाल के आई ट्राई टू सॉल्व अ हार्ड क्वेश्चन और अ मीडियम प्रॉब्लम, काफ़ी मज़ा आता है। आप लोग भी अगर आप लोग इंटरव्यू प्रैप कर रहे हो तो आप लोगों को मैंडेटरी है ये करना, और अगर आप इंटरव्यू प्रैप नहीं कर रहे हो, कुछ टाइम बाद है इंटरव्यू, तो डेफिनेटली यार एक दो क्वेश्चन करते रहो। बाकी लोग मेरे को पता है आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग कर ही लोगे। बी कंसिस्टेंट, 3-4 महीने में बहुत ही अच्छा कर जाओगे आप लोग। अब यहाँ पर दो तरीके की रेटिंग होती है, एक रेटिंग आपकी होगी कि कितने क्वेश्चंस किए हैं, वो आपकी यहाँ पर दिखाई जाती है। दिस इज द रेटिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑन लीटकोड, जैसे मैंने कितने क्वेश्चन टोटल किए हुए हैं अभी तक। जब मैं क्वेश्चन ज़्यादा करता था तो ये मेरी अंडर 2000 टाइप रहती थी, अभी बहुत टाइम से मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए हैं तो 3000 हो गई है। बट पुश करेंगे इसको भी, आप लोगों के साथ साथ पुश करेंगे सो दैट आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। सेकंड इज बेस्ड अपॉन योर कॉन्टेस्ट रेटिंग्स। अब कॉन्टेस्ट मैंने बहुत टाइम से दिया नहीं है, तो ये जो रेटिंग है बेसिकली कॉन्टेस्ट के हिसाब से होती है, जिस हिसाब से आपकी रैंक आती है उस हिसाब से रेटिंग्स आपकी बढ़ती रहती हैं। ठीक है, दीज आर द टू रेटिंग्स। बाकी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर दिख जाते हैं, कितने मीडियम, कितने ईजी, कितने हार्ड आपने किए हुए हैं। ट्राई टू कीप दिस रेशियो 1:2:1 रेशियो आप रखोगे तो बहुत अच्छा है, मतलब बेसिकली मीडियम आपके बहुत ज़्यादा होने चाहिए, हार्ड आपके 100 के आसपास भी चलेंगे। ठीक है, आप लोग तो सिंपल सा है, जो DSA शीट मैंने दिया ना उसको फॉलो कर लो, उठा करके अच्छे से सिंसियरली फॉलो कर लो, आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी दिस इज़ हाउ यू कैन मेंटेन योर प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल में कंसिस्टेंसी दिखती है ना 3-4 महीने तक की, तो आपके जो रेफरल देने वाले लोग हैं उनको पता होता है कि आप 3-4 महीने से ना DSA कर रहे हो, तो आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, आपको रेफरल मिल जाएगा ईजिली। ठीक है, उसी में मदद नहीं करता ये कंसिस्टेंसी वाला चीज़, ये आपको आपके एक्चुअल इंटरव्यू में मदद करता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, सो यार दिस इज़ इट। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कई बार मैंने किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन कर रखे हैं। DP के मैंने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, ट्री के मैंने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, एरेज के तो बहुत ही ज़्यादा किए हुए हैं। सो आप लोग भी करते रहो प्रॉब्लम्स को, और ट्राई टू पिक अप फ्यू हार्ड प्रॉब्लम्स वंस इन अ वाइल एंड ट्राई टू सॉल्व दैट एज वेल। ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। लेट अस मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप कोडिंग।